नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के ऐतिहासिक पेंशन योजना की शुरुआत आज यानी शुक्रवार से होने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसका आगाज दिल्ली से करेंगे। योजना का लाभ देश के 5 करोड़ किसानों को मिलने की उम्मीद है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब किसानों को पेंशन देने के लिए योजना शुरू होने जा रही है। मोदी सरकार की किसान पेंशन योजना किसानों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये देश भर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के लिए 18 से 40 साल तक के किसान आवेदन कर सकेंगे। योजना से जुड़ने के लिए किसानों को मासिक 100 रुपए का योगदान देना होगा। ये रकम उम्र बढ़ने के हिसाब से बढ़ती है। इसके बाद स्कीम में 60 साल से ऊपर के किसानों को 3,000 रुपए तक प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। वहीं अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 50% रकम का भुगतान मिलता रहेगा, यानी उसे 1,500 रुपए मिल सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम को दी गई है और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को खेती की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके लिए खसरा खतौनी के अलावा आधार कार्ड, जनधन खाते की डिटेल और मोबाइल नंबर देना होगा जो कि आधार और बैंक खाते में जुड़ा हो। बता दें कि इस योजना से सरकारी खजाने पर 10,774.5 करोड़ सालाना बोझ पड़ेगा। मोदी सरकार बीते कुछ महीनों में किसानों के लिए कई अहम फैसले ले चुकी है। मसलन सरकार के पहले कार्यकाल के अंतरिम बजट में किसानों के लिए सम्मान निधि का ऐलान किया गया था और इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाने की बात कही गई।